कहावत है सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। ये कहावत सही चरितार्थ हो रही है जिले के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के गंभीरपुरवा गांव में, जहां का एक व्यक्ति थाने में पीआरडी है और थानेदार का परिचित होने के कारण गांव निवासी एक महिला को लगातार परेशान कर रहा है। पीड़िता जब थाने में उसकी शिकायत करती है तो थाना प्रभारी महिला की शिकायत को अनसुना कर देते हैं। मजबूरन आज पीड़िता को बड़े साहब के पास न्याय की गुहार लगाने आना पड़ा। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में हाथ में शिकायती पत्र लिए ये महिला लक्ष्मी है, जो कि जिले के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के पूरे गंभीर गांव के निवासी है। पीड़िता व गांव के धीरेन्द्र बहादुर यादव, जो कि थाने में पीआरडी जवान हैं, इनके घर आमने सामने हैं। पीड़िता अपने घर में खंडजे की ओर दरवाजा लगवा रही थी, जिसका विरोध धीरेन्द्र कर रहा है। धीरेन्द्र ने थाने में अपनी पहचान का फायदा उठाकर पीड़िता के पति सीख सादे कागज पर अंगूठा इनसे लगवा लिया और उसका शांति भंग में चालान करवा दिया और उसी कागज पर सुलहनामा भी लिखवा लिया गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत थानेदार से की तो सब पीड़िता को थाने से भगा दिया गया। थकार कर आज पीड़िता डीएम की चौखट पर न्याय की आस लेकर पहुंची है। हमारा नाम लक्ष्मी, कहाँ से आई है? थाना कौन सा और तहसील? क्या हुआ है? आप अपना घर बना रहे हैं मेरी जमीन में, तो हमारे सामने नाला है, उसके उस पर वीरेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम दरवाजे नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगवाने देंगे? कह रहे हैं कि हमारे सामने हम दरवाजे नहीं लगाने देंगे। तो क्या इसकी शिकायत कहीं की है आपने? इसकी शिकायत हमने थाने में दो बार करी है, यहाँ जिलाधिकारी को भी, डीएम को भी हमने तीन बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, कप्तान को भी दे चुके हैं, तहसील में भी एक बार दे चुके हैं, 5-6-7 बार हमने एप्लीकेशन किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं, ना कोई इंक्वायरी। तो आज फिर कहाँ से आई हैं? आज फिर हम आए हैं यहाँ डीएम के पास। डीएम साहब से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई, कह रहे हैं कि हम जाँच करवाएंगे उसके बाद आगे काम। यदि न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम उसके खिलाफ।